दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों दुनिया में जितने भी स्कूल हैं वो सिर्फ एक चीज पर चलते हैं और वो है नियम और कानून। हम सभी को पता है कि अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वहाँ के नियम कानून मानना उसका सबसे पहले काम होता है। स्कूलों में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हर जगह लागू होते हैं, जैसे कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जाना, यूनिफॉर्म का साफ होना, जूते पहनकर जाना वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात जापान के स्कूल रूल्स की आती है तो इन सारी चीजों के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहाँ के बच्चों को माननी पड़ती हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको इन सारे स्कूल्स के रूल्स के बारे में जानना है तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। स्कूल क्लीनिंग। दोस्तों हम सभी को पता है साफ सफाई के काम को हमारे देश में उतनी ज्यादा महत्व नहीं मिलता है, क्योंकि इंसानों के मन में ये बात बैठ गई है कि साफ सफाई करने वाला इंसान नीचा होता है। पर जापान के लोग ना खुद ऐसा सोचते हैं ना ही अपने आगे बच्चों को ऐसा सोचने देते हैं। इसी वजह से तो जहां छुट्टी होने पर बाकी बच्चे घर की तरफ भागते हैं, तो वहीं जापान के स्कूल में जब छुट्टी होती है तो बच्चे अपने क्लासरूम को साफ करने में जुट जाते हैं, और पूरे क्लासरूम को साफ करने के बाद वो स्कूल के हर एक कोने को साफ करते हैं। हालांकि हर क्लास की बाथरूम और गार्डन वगैरह साफ करने की ड्यूटी अलग अलग होती है, और बच्चे उसी हिसाब से सफाई भी करते हैं, जिनमें उनकी टीचर बच्चों का पूरा साथ देती है। अब अगर हमारे यहाँ बच्चों से स्कूल की साफ सफाई करा ली जाए तो उनके परिवार वाले नहा धोकर टीचर्स के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन जापान में तो माता पिता खुद कहते हैं कि बच्चों को हर एक चीज सिखाई जाए, हेल्दी फूड फॉर द स्टूडेंट्स। दोस्तों हमारे यहाँ तो जब लंच टाइम होता है तो हर बच्चा अपना टिफिन खोल कर बैठ जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बच्चों को स्कूल में ही लंच दिया जाता है जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और न्यूट्रिशन से भरा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के स्कूलों का मानना है कि स्कूल टाइम बच्चों का सबसे ज्यादा ग्रो करने का टाइम होता है, और अगर उस टाइम में उन्हें बाहर के ऊटपटांग खाने की आदत लग जाएगी तो उनकी आने वाली लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी जापान में ज्यादातर लोग फास्ट फूड नहीं खाते, वो अपना ट्रेडिशन फूड ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है बल्कि उनकी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है, और यही चीज स्कूल के बच्चों को भी सिखाई जाती है। इसलिए स्कूल में ही बच्चों का एक मील बनता है जो उन्हें लंच टाइम में दिया जाता है, और अगर कोई बच्चा अपने मन से घर का खाना लाना भी चाहे तो भी उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता, क्योंकि जापान के स्कूलों में मिलने वाला जो फूड है वो उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से उन्हें दिया जाता है, और स्कूल वाले नहीं चाहते कि बच्चों के न्यूट्रिशन में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हो। स्कूल यूनिफॉर्म। दोस्तों हम सभी जब स्कूल जाते हैं तो हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि किसी के जूते नहीं होते तो किसी की पैंट का कलर अलग होता है, कुछ टाई नहीं पहनते तो कुछ टी शर्ट अलग तरीके की होती है। हालांकि जो काफी डिसिप्लिन वाले स्कूल हैं वहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपर रहती है, लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पर चाहे स्कूल बड़ा हो या छोटा, हर एक बच्चे को प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर आना होता है, क्योंकि जापान में डिसिप्लिन में रहना वहाँ का सबसे बड़ा नियम है। वेस्टर्न देशों की तरह घर से कुछ भी स्टाइलिश पहना और निकल लिए ये सब नहीं होता। यहाँ पर बच्चों को अपनी मन पसंद की चीज पहनने का कोई हक नहीं है, स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर ही आना पड़ता है। और अगर कोई बच्चा अपने बालों में कलर कराना चाहे तो भी यहाँ पर सख्त मनाही है। बच्चों के लिए हेयर स्टाइल होती है और उन्हें उसी स्टाइल में अपने बाल रखने होते हैं, फिर चाहे वो लड़कियाँ हो या लड़के, हर कोई अपने बालों को वैसे ही बना कर आता है जैसे एक स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर कोई कुछ ज्यादा स्टाइल दिखाने की कोशिश करता है तो उसके बाल स्कूल के अंदर घुसने से पहले टीचर्स काट डालते हैं, इसलिए बच्चे खुद ही सीधे साधे बनकर स्कूल आना पसंद करते हैं। रिमूविंग शूज आउटसाइड क्लासरूम। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जापान में साफ सफाई को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जाहिर सी बात है कि जब स्कूल को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी बच्चों की है तो भला बच्चा उसे गंदा क्यों करेगा। इसलिए बच्चे स्कूल की बिल्डिंग में घुसने से पहले ही साइड में बने लॉकर में अपने जूते रख देते हैं, ताकि अंदर की जितनी भी बिल्डिंग है वो गंदी ना हो और जूतों की गंदगी बाहर तक ही सीमित हो जाए, जो कि ना सिर्फ एक अच्छी आदत है बल्कि जगह को साफ सुथरा रखने के लिए एक अच्छा आइडिया भी है। और जूतों को बाहर रखने का ये नियम केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि स्कूल के टीचर और बाकी स्टाफ के लिए भी लागू किया जाता है, और सभी को इंडोर स्लीपर्स ही पहनकर अंदर जाना होता है। लिमिट ऑफ स्नीजिंग इन द क्लास। दोस्तों खांसी और छींक जैसी चीजों को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, और जब बात बच्चों की हो तब तो ये चीज और भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जापान के स्कूलों में इसे काबू करने की कोशिश की जाती है। यहाँ अगर कोई बच्चा 3 बार से ज्यादा छींकता है तो
तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ, मैं पता है जापान के स्कूल का ये नियम काफी अटपटा सा है, लेकिन दोस्तों वाकई में यहाँ के स्कूलों में ऐसा होता है ताकि दूसरे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड। दोस्तों जहाँ बाकी दुनिया के बच्चे दिन रात पढ़ाई में मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छे नंबर मिले और वो अगली क्लास में प्रमोट हो सके, लेकिन जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बच्चों को साल भर अच्छे से पढ़ाया जाता है और साल पूरा होने के बाद बिना किसी तरह का एग्जाम लिए उन्हें अगली क्लास में डाल दिया जाता है। क्योंकि पहली बात तो बच्चों की जो पढ़ाई का सिस्टम है वो नंबरों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यहाँ पर बच्चों के दिमाग में कितनी बातें जा रही है इस चीज पर फोकस किया जाता है, और इसलिए यहाँ लगातार टीचर्स बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करते हैं, ना कि उनके नंबर बढ़ाने में, जिस वजह से वो बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते। हालांकि जो थोड़े बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उन्हें किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होता है या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उनके एंट्रेंस एग्जाम में उन्हें दिक्कत देखने को मिलती है। अब आपका जापान के स्कूल नियमों के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए ना, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।